सब्सक्राइब करें स्टडी नॉलेज चैनल को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले वीडियोस पाने के लिए। हेलो नमस्ते, आज के इस वीडियो में मैं त्रिकोणमिति भाग 9 बताने वाला हूं, जो कि पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम के लिए बताया जा रहा है। इसके पहले मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे देखकर सारे के सारे वीडियो एक तरफ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के उस वीडियो में, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं मैं उसी को केवल बताता हूँ, और आज के इस वीडियो में क्या इम्पोर्टेंट है मैं आपको आसानी से बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं ऊंचाई और दूरी के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ऊंचाई और दूरी हर कोई टीचर्स अपने बारे में अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता है कि ऊंचाई और दूरी किस प्रकार से लगाया जाए। यहाँ पे मैं पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो पॉलिटेक्निक में इंट्रेंस एग्जाम निकालने के लिए हमेशा 9th और 10th क्लास के जितने भी मैथ है उसको खास करके ध्यान दीजिएगा, उसको अधिक से अधिक सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिएगा। इससे अधिक मैच के पूछे जाते हैं, वो चाहे क्लास इंटर पे भरे हो चाहे वो क्लास 10th पे भरे हो। अब इन सभी में सबसे अधिक मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी का सिलेबस अगर देखना चाहते हैं कि क्या क्या पूछे जाते हैं या पॉलिटेक्निक क्या है, इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है आपका, तो आपके लिए एक वीडियो मैंने क्रिएट किया है, उसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं है, हो सकता है कुछ समय बाद ये लिंक अपडेट कर दिया जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं ऊंचाई और दूरी के बारे में। ऊंचाई और दूरी को हल करने के लिए दो कोण बनाए गए हैं, एंगल। अब वो कौन से दो कोण हैं? पहला है उन्नयन कोण, जैसा कि आप सभी को पता है उन्नयन कोण, और दूसरा है अवनमन कोण। ये दोनों कोणों की मदद से ऊंचाई और दूरी को आसानी से हल किया जाता है। अब उन्नयन कोण होता क्या है, अवनमन कोण क्या होता है, इसके बारे में मैं दो लाइन बस छोटा सा डिटेल्स देता हूं ताकि आपको समझ में आ सके, क्योंकि ऑलरेडी आप हमेशा पढ़ते आ रहे हैं क्लास 9th 10th में। अब उन्नयन कोण क्या होता है कि जैसे किसी वस्तु को हमें देखना है, कोई व्यक्ति है अपनी आंखों से अगर ऊपरी दिशा में देखता है तो वो उन्नयन कोण लिया जाएगा। यहाँ पे समझ रहे हैं, हमेशा उन्नयन कोण का मतलब हमेशा ऊपरी दिशा में, किसी वस्तु को देखने के लिए ऊपरी दिशा में। अगर इसका परिभाषा देखा जाए कि क्या होना चाहिए, जब कोई वस्तु देखने वाले की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित हो, ठीक है, कोई वस्तु ऊपर रखा हो तब के लिए है। और वही चीज अवनमन कोण में क्या होता है, वही आंख रहेगा, अब ये नीचे की दिशा में देखेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा अवनमन कोण। बस इतना ही डिफरेंस होता है। अगर क्वेश्चन में उन्नयन कोण देगा तो चित्र ऊपर की दिशा में बनाएंगे, अवनमन कोण देगा तो चित्र नीचे की दिशा में बनाएंगे। बस आप चित्र बना लेते हैं तो एक एक क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो ये दो चीजें तो आपको समझ में आ गई। साथ ही एक चीज और बता लेते हैं, ऊंचाई और दूरी में खास करके हम लोग टैन थीटा का यूज किया जाता है, टैन थीटा का प्रयोग करते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा का भी किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं किया जाता है, ये स्थिति के अनुसार किया जाता है, लेकिन अधिक से अधिक टैन थीटा का यूज किया जाता है। चलिए, ये सब तो मैंने छोटी सी एक बेसिक नॉलेज बताई जो आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बस उसको मैंने याददाश्त का ताजा कराया। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अधिक से अधिक पूछे जाते हैं मैं उसका ही यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, 80 मीटर ऊंचे एक स्तंभ पर 20 मीटर ऊंचा एक झंडा लगा है। स्तंभ के आधार से 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर झंडा अल्फा कोण अंतरित करता है और टैन अल्फा का मान हमें बताना है, और यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। इस तरह से क्वेश्चन देते हैं तो आपको एक सिंपल सा तरीका करना है, जो जो चीज दिया गया उन सभी से एक फिगर आपको बनाना पड़ेगा। अगर फिगर बना लेते हैं तो आप बिना सॉल्यूशन किए ऑटोमेटिक उसको निकाल सकते हैं। तो चलिए हम बना लेते हैं 80 मीटर ऊंचे, तो 80 मीटर हमें एक ऊंचा पहले बनाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये हमारा है फिगर 80 मीटर, ठीक है, 80 मीटर मैंने बना लिया। उसके साथ साथ 20 मीटर ऊंचा एक झंडा लगा, तो यहाँ से 20 मीटर क्या है, एक झंडा लगा है, तो ये मैंने कर लिया 20 मीटर। फिर 50 मीटर की दूरी पर, तो ये सभी दूरी कहाँ है, 50 मीटर पे है, ये 50 मीटर। अब इसका एक तो यहाँ से बनेगा एंगल के लिए, और एक तो यहाँ से बनेगा, दो एंगल बन जाएगा। अब क्या है, बोला है उसके साथ एक स्थित बिंदु पर अल्फा कोण आंतरित करता है, किसके लिए, झंडा के लिए, तो यहाँ पे अल्फा कोण आंतरित कर रहा है, इसको हम मान लेते हैं बीटा, ये तो हमने मान लिया। अब इन सभी का नाम दे देते हैं, ये
बी 90 अंश पे रख लेते हैं और ए और यहाँ पे सी और इसको डी नाम दे देते हैं। नाम आप दे दिए। अब देखिए हमें इस अल्फा कोण को नहीं निकालना है, हमें टेन अल्फा का मान निकालना है। तो टेन अल्फा को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको निकालने के लिए पहले टेन बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो टेन बीटा का मान कैसे निकलेगा, टेन बीटा तो टेन बीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, इसको यूज कर सकते हैं लंब बटे के आधार। लंब हमारा क्या है 80, आधार क्या है 50, या जीरो से जीरो काट देंगे 8/5, ये हमारा किसका आ गया टेन बीटा का मान। अब हमें टेन अल्फा का निकालना है तो उसके लिए हम लगा देते हैं फॉर्मूला टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू। अब देखिए टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटे वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। ये तो टेन ए प्लस बी के फॉर्मूले से मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब साथ में इसमें हमें वैल्यू रखना पड़ेगा, तो वैल्यू हम रख लेते हैं टेन अल्फा प्लस टेन बीटा का मान हमने रखा है 8/5 बटे वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा का मान 8/5। ये टोटल किसके बराबर है, टेन अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख लेते हैं। अब देखिए टेन अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार अल्फा को लेंगे तो क्या हो जाएगा लंब बटे के आधार, और एक बार बीटा को लेंगे तो लंब बटे के आधार, मतलब 20/50 और एक बार 80/50, तो 50 दोनों में कॉमन दिख रहा है तो इसको एलसीएम ले लेंगे और ये हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे 100/50, या कह सकते हैं 100/50 केवल 2 आ जाएगा, तो ये मान हम रख लेंगे बराबर 2 के। अब इन सभी को सॉल्यूशन करके हमें निकालना है टेन अल्फा का मान, तो इसको इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे और टेन अल्फा को पक्षांतर करेंगे तो सीधे जो टेन अल्फा का मान निकल जाएगा वो आ जाएगा 2/21। आप इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 2/21 देखते हैं कहाँ पे ऑप्शन सही है, तो उस ऑप्शन को टिक कर लेते हैं, बी नंबर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन में देखिए एक पहाड़ी भूतल से 30 सेमी की ढाल बना रही है, एक व्यक्ति पहाड़ी के ऊपर की ओर 100 मीटर चढ़ता है, भूतल की उसकी ऊंचाई क्या होगी। अब चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, एक पहाड़ी भूतल से 30 डिग्री, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं एक भूतल बना लेते हैं, उसके साथ साथ 30 डिग्री बना लेते हैं। ये हमारा कोई पहाड़ी है और इस पहाड़ी से भूतल से 30 डिग्री पे ले लेते हैं, ये हमारा है 30 डिग्री। ठीक है, फिर क्या बोला क्वेश्चन में, पहाड़ी के ऊपर की ओर 100 मीटर चढ़ता है, तो जब भी चढ़ेगा तो डायरेक्ट ऐसे तो चढ़ेगा नहीं, हमेशा ऐसे चढ़ेगा, तो ये दूरी हमारा 100 मीटर होगा, ये चढ़ रहा है पहाड़ी पे, ये पहाड़ी हमारा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला है, भूतल से उसकी ऊंचाई क्या होगा, तो इस भूतल से ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई हमें नहीं पता है, एच हमने मान लिया। अब देखिए ए बी सी हमने इसका नाम दे दिया, हमें पता है ये लंब बनेगा, ये कर्ण बनेगा, ये आधार बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल है, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला होगा उसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ना कि बार बार टेन थीटा का यूज करेंगे। मैंने अभी आपको बताया था स्थिति के अनुसार यूज करते हैं, तो स्थिति यही आ गई कि लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, वो होता है साइन थीटा का, तो लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे के कर्ण। अब यहाँ पे साइन थीटा के स्थान पे 30 डिग्री दिया गया है और लंब का मान है एच, कर्ण का मान है 100, मैंने रख लिया। रखने के बाद साइन 30 अंश का मान 1/2 बराबर एच बटे के 100, 2 से इसको काट लीजिए 50 आ जाएगा, या एच इज इक्वल टू अगर मान निकालेंगे तो 50 मीटर आ जाएगा। ये देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं, अगर ऑप्शन में है तो आप टिक कर सकते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए एक दीवार से 15 करड़ी में 3 मीटर दूर सड़क पर किसी बिंदु पर दीवार के उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण 30 मीटर, दीवार की ऊंचाई बताना है, तो दीवार की ऊंचाई आपको पता है, एक चीज की ऊंचाई निकालना ही है, तो ऊंचाई के स्थान पे आपको कुछ वैसा वैल्यू नहीं रखना पड़ेगा, फिगर बनाएंगे तो जो दूर दिया गया है उसके लिए हम यूज करेंगे 15 करड़ी में 3 जो मान क्वेश्चन में दिया गया है। तो देख लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है 15 करड़ी में 3, तो ये तो मैंने दूर के लिए रख लिया, साथ ही दिया है इसकी कोण एंगल, तो एंगल हमें 30 डिग्री पे रखना है, तो रख लेते हैं, ये हो गया ऊंचाई और यहाँ पे एंगल हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब मान लेते हैं ए बी सी ये इसका नाम दिया गया है, अब ये ऊंचाई एच है,
अब लंब बटे आधार, ये एंगल बनेगा, तो लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो वहां पे हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे के आधार। तो टेन एंगल के स्थान पे कुछ मान रहेगा तो उसको रख लेते हैं, और लंब का मान हमारा एच दिया गया, आधार का मान है 15 करड़ी में 3। अब इसका वैल्यू रख लेते हैं, टेन 30 अंश का मान होता है 1/3 करड़ी में 3 बराबर के एच अपान 15 करड़ी में 3। तो करड़ी में तीन, करड़ी में तीन कट जाएगा और सीधे के सीधे एच की वैल्यू मिल जाएगी, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे 15 मीटर आ जाएगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसका, 15 मीटर आपका बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन में देखिए, उस समय सूर्य के उन्नयन कोण का मान क्या होगा जब एक स्तंभ की छाया उसकी कुल ऊंचाई की करड़ी में 3 गुनी लंबी है। अब हम मान लेते हैं उन्नयन कोण थीटा है, यहाँ पे हम उन्नयन कोण मान लेते हैं कि वो थीटा है, ठीक है, जब उन्नयन कोण ही बोला है तो उन्नयन कोण हमें पता नहीं, तो हम उन्नयन कोण थीटा मान लेते हैं, और उसकी ऊंचाई भी नहीं पता है तो ऊंचाई को मान लेते हैं h, ठीक है। इसलिए स्तंभ की परछाई कितना हो जाएगा, करड़ी में 3h, क्योंकि कितना गुणा है, करनी में 3 गुनी है, तो उसकी क्या हो जाएगी, परछाई करनी में 3 गुनी इतना मीटर हो जाएगा। अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का बराबर स्तंभ की ऊंचाई बटे स्तंभ की परछाई, रख सकते हैं लंब बटे आधार, तो लिखेंगे स्तंभ की ऊंचाई बटे स्तंभ की परछाई, ठीक है। अब देखिए स्तंभ की ऊंचाई हमने क्या माना है, h, और परछाई हमने क्या माना है, करड़ी में 3 गुनी बताया गया क्वेश्चन में। अब यहाँ पे h से h कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 बचेगा, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर 1/3। अब ये किसकी वैल्यू है, ये है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, आप डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं यहाँ से, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही है, सी नंबर आप सही कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का अंतिम सवाल, एक अट्टालिका 100 डेसीमीटर ऊंची है, किसी समय सूर्य के प्रकाश से 9 डेसीमीटर ऊंचे दंड की परछाई 3 करड़ी में 3 डेसीमीटर लंबी है, सूर्य का उन्नयन कोण उसी समय अट्टालिका की परछाई की लंबाई होगी, अब वो क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। चलिए देखिए, मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको एक चीज बताया था कि ऊंचाई बटे परछाई बराबर होता है टैन थीटा, तो वहीं पे हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो शून्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण हम मान लेते हैं थीटा है, हमें अगर पता नहीं होता है तो हमेशा थीटा मान लिया करिए, ठीक है। अब टैन थीटा बराबर क्या होता है, ऊंचाई बटे परछाई, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें ऊंचाई दिया गया है सूर्य के 9 डेसीमीटर ऊंचे और परछाई कितना है 3 करड़ी में 3, तो ये हम रख लेंगे 9/3 करड़ी में 3, तो ऊंचाई बटे के करड़ी में 3 मतलब 9/3 करड़ी में 3, ये चीजें मैंने रख लिया, सॉरी 9/3 करड़ी में 3 क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये तो मैंने रख लिया, अब इसको हल कर लेते हैं, इसको काटते हैं तो हमारा आ जाएगा टेन थीटा बराबर करड़ी में 3 आ जाएगा, 3 तिरके 9, और करड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, ऐसे देखिए ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा करड़ी में 3। अब ये किसका वैल्यू है, हमें यहाँ पे मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये चीजें तो हमें मिल गया, लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन देखिए बोला है 100 डेसीमीटर ऊंची है और अट्टालिका की परछाई बताना है, हमें परछाई तो पता नहीं है, उसी को बताना है, तो हम मानेंगे परछाई बराबर एक्स, परछाई को मैंने एक्स मान लिया, तो ऊंचाई कितना था 100/परछाई, अब ये किसके बराबर होता है tan थीटा के, तो tan थीटा के स्थान पे मैंने 60 डिग्री निकाला है, x का मान निकालना है, तो 100/x बराबर इसकी वैल्यू है √3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 100/√3, ये चीजें मिल जाएंगी। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही है, 100/√3, यहाँ पे 100/√3, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है 100/√3, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना होगा, इसमें करड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो मिल जाएगा 100/3/3, अब ये ऑप्शन मिल जाएगा और एक 60 डिग्री, अब ये देखते हैं कौन सा सही है, तो यहाँ पे हमें ए नंबर दिख रहा है सही, उसको टिक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे,
यदि क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा, अभी जस्ट अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।